हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। हम वापस मिल रहे हैं। आज हम लोग करेंगे सेल बोट। हमने अभी तक फिश भी की, काइट किया, सो फर्स्ट स्टैंडर्ड में आज हम सीखेंगे सेल बोट। ओके, सो कैसी सेल बोट बनानी है मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगी। आइए, तो आपको ऐसी वाली सेल बोट बनानी है। और ये सेल बोट बनाने के लिए हम स्टार्ट करेंगे जिसमें हमने ट्राइंगल यूज़ किए, स्लिपिंग लाइंस यूज़ किए। ओके, सो सबसे पहले एक स्लिपिंग लाइन ड्रॉ करेंगे, टू स्लैंटिंग लाइन। और ये जो स्लैंटिंग लाइन है, नीचे बोट पूरी कंप्लीट नहीं करनी है, हमें नीचे वाटर ड्रॉ करना है जिससे ऐसा लगे कि ये बोट पानी में है। राइट, अभी हम यहाँ पे सेंटर में एक लाइन ड्रॉ करेंगे, देन एक ट्राइंगल यहाँ से थोड़ा सा ऊपर, यहाँ पे थोड़ी लाइन स्पेस छोड़ के हम एक और ट्राइंगल बनाएंगे। आप स्केल का यूज़ भी कर सकते हैं। और फिर ऊपर हम यहाँ पे एक ट्राइंगल और बना के फ्लैग बनाएंगे। सो ये आपकी सेल बोट रेडी हो गई। और आप सबको पता है पेंसिल वर्क ख़त्म होने के बाद हमें उसको स्केच पेन आउटलाइन करनी है, तो हम यहाँ पे स्केच पेन आउटलाइन करेंगे। स्केच पेन आउटलाइन होने के बाद आपकी पिक्चर ऐसी बन जाएगी। और आप सबको पता है पिक्चर कंप्लीट होने के बाद हमें उसकी लाइंस जो है वो इरेज करनी है, तो हम पेंसिल लाइन सारी इरेज करेंगे जिससे आपकी पिक्चर पूरी क्लियर हो जाए। नाउ हम उसको कलर करेंगे। आप अपनी मर्जी से कोई भी कलर कर सकते हो। हम पहले स्टार्ट करेंगे फ्लैग में। और आपको पता है कलर करना है तो हमें बॉर्डर करनी है पहले कलर से, उसके बाद ही कलर फिल करना है। देन बोट में कलर करेंगे, बॉर्डर पहले करो। कलर बाहर नहीं निकलना चाहिए, और अगर कलर बाहर निकल रहा है, आप प्लास्टिक क्रेयॉन से कलर कर रहे हो, तो आप उसको इरेजर से फिनिशिंग कर सकते हो। अभी हम उसमें कलर फिल करेंगे। आप सबको पता है एक ही डायरेक्शन में कलर करना है। अगर हम स्लिपिंग लाइन कर रहे हैं तो स्लिपिंग लाइन में करना है, स्लैंटिंग लाइन कर रहे हैं तो स्लैंटिंग लाइन में करना है, स्टैंडिंग में करेंगे तो स्टैंडिंग में। यहाँ पर मैं स्लिपिंग लाइन में कलर फिल कर रही हूँ, तो यहाँ पे पूरा कलर हमें स्लिपिंग लाइन में फिल करना है। और ध्यान रखना है कि वाइट स्पेस कम से कम छूटे। ये हमारी बोट में हो गया कलर कंप्लीट। नीचे वाटर में ब्लू कलर करना है, आप सबको पता है। और यहाँ पे ऊपर हम लोग येलो कलर करेंगे। सो यहाँ पे भी हमें पहले बॉर्डर कंप्लीट करनी है। और ये कलर होने के बाद आपकी पिक्चर कुछ ऐसी दिखेगी। राइट, यहाँ पे हमने फ्लैग में रेड कलर किया, यहाँ पे येलो, यहाँ पे ऑरेंज, और वाटर में नीचे ब्लू कलर। आप अपनी मर्जी से कोई भी कलर यहाँ पे कर सकते हैं। सो चिल्ड्रन, आप सबने देखा हमने कैसे सेल बोट बनाई, उसमें कलर भी किया पेंसिल से, हमने स्लिपिंग लाइन यूज़ की, ट्राइंगल्स यूज़ किए, आप स्केल भी यूज़ कर सकते हो। और आपको अपने घर पे इसको प्रैक्टिस करनी है। और आई होप आप अच्छी वाली सेल बोट ड्रॉ करेंगे और कलर भी करनी है। और ये जो सब पिक्चर्स है,
हाँ जब हम वापस स्कूल में मिलेंगे तो आप सबको मुझे ये पिक्चर्स सारी दिखानी है कि आपने कैसी अच्छी वाली पिक्चर्स ड्राइंग की है. ओके टिल देन बाय.